तो हेलो दोस्तों, आप लोग किसे हैं? तो आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं नया टिप्स एंड ट्रिक जो स्कूल के ऊपर में है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि स्कूल के ऊपर जितना भी टिप्स एंड ट्रिक है वो आप लोग को पता कर चल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है, अगर कोई बंदा फर्स्ट बिल्डिंग में अगर कैंप कर रहा हो तो आपको उसको किस तरह से सपोर्ट करना है। तो आप देखिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, मतलब कोई यूसी चाहिए। अब यूसी पर आने के बाद देखिए, अब जिस तरह से हम एंगल कर रहे हैं अब उसी तरह से आपको एंगल करना। देखिए हम दिखा रहे हैं अभी, वहाँ देखिए आपको खिड़की के ऊपर जो दिख रहा है वो आसानी से आप देख सकते कि बंदा कहाँ से कैंप कर रहा है, और अभी अच्छा तरह से दिखा रहे हैं। देखिए देखिए, अगर वहाँ आगे का दरवाज़ा आपको दिख जा रहा होगा, जिसे आप इससे आप बंदा का पता लगा सकते हैं। और अगला है, आप देखिए अगर कोई बंदा सीढ़ियों पर कैंप कर रहा होगा फर्स्ट फर्स्ट बिल्डिंग के, तो आपको करना क्या है, कोई भी यूसी या कोई भी गाड़ी लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दरवाज़ा से आपको सटा देना है, और यहाँ पर आप जम करके इस तरह से आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जम करना है और दरवाजे के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर थोड़ा कोशिश यहाँ ट्राई करना, और दो तीन बार हो करेंगे कि अब आसानी से आप ऊपर आ सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं कि हम इस तरह से आप लस ग्रेस के सहारे से आप ऊपर आ सकते हैं। और अगर कोई बंदा सीढ़ियों पर अगर कैम्प कर रहा हो तो आप उसको आसानी से मार सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ अगर कोई कैम्प कर रहा हो तो आप उसको आसानी से जस्ट मार सकते हैं, और अगर यहाँ पर देखिए यहाँ कैम्प कर रहा हो तो आप उसको आसानी से मार सकते हैं। आप ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगला पॉइंट हम बताने वाले हैं कि अगर कोई एस्कॉर्ट रश कर रहा है आपके ऊपर तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जंप करना है, और उसके बाद यहाँ पर जंप करके आप इस पेड़ के ऊपर आप आ सकते हैं। आप यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं चाहिए कि कोई बंदा यहाँ पर हो सकता है। अगर आपके पास स्नाइपर है तो आप देख सकते हैं कितना दूर से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप किसी को बंदे को आसानी से नॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों पेड़ के ऊपर भी है। और देखिए आप यहाँ पर पूरा कवर है, पत्ते से आप पूरा मतलब दिख नहीं रहे हैं। तो आप ये ट्राई ये मतलब जो ट्रिक है ना, ये आप जो ट्राई कीजिए, आप लोग को लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसको। अब अगला देखिए, जब भी अगर हम लोग कोई भी स्कूल के घर पर रश करते हैं तो देखना दो जगह बंदा कैम्प कर रहा था। देखना हम जहाँ पर एगो स्मोक फेंक रहे हैं, एगो वहाँ पर बंदा रहता है और एगो ऊपर छत पर रहता है। दिखा रहे हैं हम आपको, जाके भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ रहता है। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर एक दो ने आपको नेट फेंकना है। मेरा एगो नेट था तो एगो ओपन फेंक दिया, एगो स्मोक था तो यहाँ पर हम फेंक दिया। हम तो आप सिर्फ हम आप लोग को दिखाना चाहते कि बंदा कहाँ कहाँ कैम्प करके अधिकतर बैठा रहता है। हम यहाँ पर बहुत बार ही मतलब बंदे लोग को देखें कि यहाँ पर कैम्प करके बैठा रहता है, अचानक अगर आप सीढ़ियों से आते हैं तो आपको नॉक कर देता है। तो आपको सबसे पहले नेट करना है, एक वो वहाँ पर था और एक वो यहाँ पर, देखिए इस तरह से यहाँ पर कैम्प करके बैठा रहता है, तो आपको यहाँ पर नेट करना है। अगला पॉइंट देखिए हम ये दिखाने वाले, अगर कोई स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रहा है तो आपको करना क्या है, आप कोई भी बिल्डिंग पर हो आपको यहाँ पर आ जाना है। देखिए हम दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर आ जाना है। आप इस तरह से यहाँ पर आने के बाद देखिए, हम जिस तरह यहाँ पर आए हैं आप उसी तरह आपको आना है, और यहाँ पर आप आसानी से बैठ सकते हैं या आप यहाँ पर लेट भी सकते हैं। कोई बंदा पहचान भी नहीं सकेगा कि कोई बंदा यहाँ पर है, और वो स्क्वाड जितना मतलब आपके ऊपर रश करने आया था वो उन लोगों को भी पता भी नहीं चलेगा कि बंदा गया कहाँ पर है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई बंदा पीछे तो नहीं है, मतलब आपको सिर्फ पीछे सिर्फ ध्यान आपको रखना है। और अगला पॉइंट हम दिखाने वाले हैं, देखिए अब और अब तीसरा बिल्डिंग पर है, अगर कोई बंदा उस रूम में कैंप कर रहा होगा तो आपको उसको सरप्राइज अटैक किस तरह कर सकते हैं वो आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, आप पता चल जाएगा। आपको इसी तरह से यहाँ पर आना है, और साइड पर आने के बाद धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है। देखिए हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है, और हम दिखाते हैं कि बंदा लोग अधिकतर कैंप कहाँ करके बैठा रहता है, और आप लोग भी ये देखते होंगे कि बंदा लोग हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कैंप करता है अधिकतर। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर आ जाना है। देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए, बहुत बंदा जो ये साइड का ना वहाँ पर कैंप करके बैठा रहता है।
यहाँ पर, या यहाँ पर दो बंदा मतलब यहाँ पर कैंप करके ही बैठा बैठा रहता है यहाँ पर। तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ धीरे धीरे आगे करके बढ़ना है, यही चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और भी आगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर कर देना, ताकि और भी हम मतलब ऐसा ही नया नया टिप्स एंड ट्रिक आप लोग के लिए लाते रहेंगे, जो आप लोग इसे यूज करके आसानी से किसी भी बंदा को मार सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।